मां फेफड़ा कैंसर टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने गोलीबारी के घटना में शामिल अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिवान नगर थाना क्षेत्र के पच मंदिरा निवासी कृष्णा यादव के पुत्र अजय यादव शहर के कसेरा टोली मोड़ के समीप अमन ज्वेलर्स में गोलीबारी की घटना में शामिल था। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया कि अमन ज्वेलर्स की घटना में ये शामिल था। सूचना मिली कि पंच मंदिरा के तरफ घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम के साथ यहां पे पहुंचा गया। संदेह के आधार पर मैंने इसे पकड़ा। पूछताछ में इसने अपना नाम अजय यादव बताया है। यही वो अजय यादव है जो दुकान में घुसकर गोली चला रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम गोलीबारी के आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर। इंस्पेक्टर सुदर्शन राम अजय यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने गोलीबारी की घटना में शामिल अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिवान नगर थाना क्षेत्र के पच मंदिरा निवासी कृष्णा यादव के पुत्र अजय यादव शहर के कसेरा टोली मोड़ के समीप अमन ज्वेलर्स में गोलीबारी की घटना में शामिल था। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया कि अमन ज्वेलर्स की घटना में ये शामिल था। सूचना मिली कि पंच मंदिरा के तरफ घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम के साथ यहां पे पहुंचा गया। संदेह के आधार पर मैंने इसे पकड़ा। पूछताछ में इसने अपना नाम अजय यादव बताया है। यही वो अजय यादव है जो दुकान में घुसकर गोली चला रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम गोलीबारी के आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर। इंस्पेक्टर सुदर्शन राम अजय यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। कौन है सर गिरफ्तार किया गया है? जो वहाँ पे वो जो अमन ज्वेलर्स के पास जो परसों घटना हुई थी उसी का है ये मुद्दाले है। ये अजय यादव, अच्छा, ये पच मंदिरा के पास अस्पताल है, हुसैनगंज का रहने वाला है। अब ये भी सूचना मिली कि ये इधर ही दिख रहा है। संदेह के आधार पर हमने इसे पकड़ा, पूछा तो उसने अपना नाम अजय यादव बताया। और अमन ज्वेलर्स में जो गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें ये दुकान के अंदर था। क्या लगता है बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, पुलिस दबिश के कारण दोनों अपराधी पकड़े गए? नहीं नहीं, ये तो हम लोगों ने जिस समय से घटना घटी है उसी समय से हम लोगों ने सख्ती से लगे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह का शहर में डेयर किया, इसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जितने भी इसमें और बचे हुए मुदाले हैं एक एक करके मैं उठाऊंगा और जेल भेजूंगा।